हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दीपा टुडे स्पेशल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल डिश है खीर। खीर सबको ही बहुत पसंद होती है, हमारे यहाँ इसे पायसा बोलते हैं। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज की मेरी इस रेसिपी में मैंने बिना दूध की खीर बनाई है, क्योंकि बहुत सारे जनों को दूध पसंद नहीं होता। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पर कमेंट में लिखा था कि बिना दूध के क्या खीर बनाई जाती, तो मेरे फ्रेंड्स ज़रूर बनाई जाती हैं। आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिना दूध के भी खीर बहुत ही टेस्टी और यमी बनाई जाती है, तो इस वीडियो का बीच में कहीं स्किप मत ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो अगर मेरी इस रेसिपी आप सबको अच्छी लगी तो एक रेसिपी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। जो मैं खीर बना रही हूँ वो 100% सूजी से बने हुई सेवा के हैं, और इससे हम बहुत ही डिलीशियस पायसा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं और उपमा भी बनता है। तो आज चलिए इस रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, 1 कप सेवैया, ज़रा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, ज़रा सा 1 इलायची लिया है और ज़रा सा घी लिया है। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने पहले एक छोटे से कप से पानी लिया है और 1 कप यहाँ पर मैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए रखने वाली हूँ। जब तक कि गुड़ मेल्ट होकर ठंडा होता है तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मैं गुड़ का करूँ। हमारे घर में हमेशा गुड़ से ही पायसा खीर बनाई जाती है ज़्यादातर, तो वही रेसिपी मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। पर हमें गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है और इसके बाद हम इसका ठंडा होने के बाद इसको गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और यहाँ पर मैंने गैस भी ऑफ कर दिया। अभी मैंने एक मिक्सर जार में 1 कप नारियल लिया है और 1 इलायची लिया है। इसका हमें एक बारीक सा पेस्ट बनाना है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, 1 कप बहुत ही स्मूथ और नाइस बनाना है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में ज़रा सा घी लिया है और घी मेल्ट होते ही यहाँ पर हम शेवैया को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता हमें अच्छी तरह से इसे फ्राई करते रहना है। 1 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमारा सेवैया अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं, गुड़ भी ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं कितना गाढ़ा बन चुका है, बहुत ही ठंडा हो चुका है अभी ये। और फिर यहाँ पर हमारे सेवैया भी रेडी हो चुके हैं और नारियल का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो चलते हैं इस खीर बनाने के लिए। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है। इस ग्लास से मैंने बड़े ग्लास से 2 कप पानी लिया है। पानी अच्छी तरह से उबालने लगे तब हमें इसमें ऐड करना है 1 कप सेवैया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। सेवैया अच्छी तरह से उबालने लगे तब हमें इसमें ऐड करना है नारियल का पेस्ट। मैंने कहा था मैं आज बिना दूध के ही खीर बनाने वाली हूँ, तो आज के हमारा दूध है नारियल का पेस्ट। हम सब नारियल तो सभी यूज़ करते हैं, तो इसका पेस्ट बना के इस तरह से इसका खीर में इस्तेमाल करने से खीर बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। आप चाहे तो इसे छन्नी की सहायता से इसका सिर्फ दूध भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट पूरा डाला है क्योंकि हमें इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसलिए मैंने इसका नारियल का पूरा पेस्ट ही डाला है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है खीर। का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। जब भी हम गुड़ से कोई रेसिपी बनाते हैं तो यह गुड़ को मेल्ट कर ले और फिर ही इसे छालनी की सहायता से छान कर फिर ही इसका यूज़ करें। पर हमारी खीर बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गुड़। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया था और 1 कप गुड़, इसको हमने मेल्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सिर्फ 1 कप ही गुड़ आया है। तो फिर हमें इसमें ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें और ज़्यादा भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ की स्वीट खाना नहीं पसंद करता वो, इसमें आप चाहे तो शक्कर मिक्स कर सकते हैं, इससे भी बहुत टेस्ट आता है। लेकिन हमारे घर में गुड़ से ही बनती है खीर, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे
और एक 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर हमारी खीर गाढ़ी है, आप चाहिए तो और ज़्यादा इसे पतला भी बना सकती हैं। और इस खीर को हमें गरम गरम ही खाना है कुछ थोड़ी। यहाँ पर हम ऐड करने वाला है ड्राई फ्रूट्स, ज़रा सा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे इसमें, जिससे कि खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी खीर रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली भी नहीं बनी है, बहुत ही गाढ़ी भी नहीं है, एकदम परफेक्ट बनी है। आप चाहे तो और ज़्यादा इसे गाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बनाइए। यहाँ पर हम खीर को एक दूसरे डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। पर मैंने एक चम्मच गरम करा है और उसमें ज़रा सा घी डाला है और इसमें हम डालने वाले हैं किशमिश, इससे कि खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी खीर रेडी हो चुकी है, ड्राई फ्रूट से बहुत ही सजी हुई है। आप सबको मेरे बिना दूध वाली खीर कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर घर में बहुत सारे नारियल हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने बहुत सारे बर्फीज, बहुत सारे रेसिपीज बनाए होंगे, लेकिन खीर नहीं बनाई, तो इस खीर को एक बार ज़रूर बनाइए। और रेसिपी कैसी बनी थी इसको कमेंट में बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।